कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ऐलान कर दिया कि वो आने वाले लोकसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया को टक्कर दे सकते हैं। फिलहाल दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों ही मध्य प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं। लेकिन दिग्विजय के इस बयान के बाद ये चर्चा तेज हो गई कि आने वाले लोकसभा चुनाव में दोनों के बीच टक्कर हो सकती है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि अगर पार्टी कहेगी तो वो सिंधिया के खिलाफ चुनाव जरूर लड़ेंगे। पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ, सिपाही हूँ, जो आदेश होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि 2018 में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश का चुनाव जीतकर वहां सरकार बनाई थी, पर सिंधिया के बीजेपी में चले जाने से कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। हालांकि उससे पहले सिंधिया खुद ही गुना लोकसभा सीट से चुनाव हार गए थे। उधर रूस के राष्ट्रपति पुतिन के वफादार चेचन कमांडर रमजान कादिरफ ने जेलेंस्की की सेना को खुली धमकी दे दी। पश्चिमी मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक कादिरफ ने दो टूक कह दिया कि रूस के T-72 टैंक यूक्रेन के एब्रम्स टैंकों के टुकड़े टुकड़े कर देंगे और जंग के मैदान में उन्हें पूरी तरह रौंद डालेंगे। दो रोज पहले ही अमेरिका ने घोषणा की थी कि यूक्रेन के सैनिकों को एब्रम्स के अपग्रेडेड वर्जन की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके बाद एब्रम्स टैंकों पर रमजान कादिरफ का ये बयान आ गया। पश्चिमी मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक कादिरफ ने अमेरिका से यूक्रेन को मिले एब्रम्स टैंकों को बच्चों की पैडल कार बता दिया। रमजान कादिरफ रूस के जिस T-72 टैंक के दम पर यूक्रेन की सेना को धमका रहे हैं, उससे एक बार में एक साथ 300 गोलियां फायर होती हैं और 1.5 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन पर सटीक निशाना लगाकर उसे ढेर किया जा सकता है। हालांकि युद्ध के दौरान यूक्रेन के सैनिकों ने एब्रम्स टैंकों से रूस के बाहुबली T-72 टैंकों को करारा जवाब दिया। इस बीच रूस से जारी भीषण जंग में यूक्रेन के जवान जुगाड़ के ड्रोन से काम चलाते दिखाई दिए। यूक्रेन के सैनिक ड्रोन में बदलाव कर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि रूस के जवानों को ढूंढकर उन्हें मौत की नींद सुलाई जा सके। यूक्रेन के सैनिक कैसे जुगाड़ के ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें एक जवान एक ड्रोन पर विस्फोटक बांधता नजर आया। विस्फोटक बांधने के बाद उसने उस ड्रोन को आसमान में उड़ा दिया, जिसके कुछ ही देर बाद अलग अलग जगहों पर धमाके होते दिखाई दिए। बताया गया कि इसी तरह से यूक्रेन की सेना जुगाड़ के ड्रोन का रूसी फौज पर हमले के लिए इस्तेमाल कर रही है। इधर रूस ने अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA पर पुतिन के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए यूक्रेन में मौजूद उसके नागरिकों को गुमराह करने का आरोप लगाया ताकि पूरी दुनिया में पुतिन की छवि खराब की जा सके। और सबूत के तौर पर रूस की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया। रूस का आरोप है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी इस वीडियो का इस्तेमाल पुतिन के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए कर रही है और वो इस बात का ढिंढोरा पीटने में जुटी है कि रूस में पुतिन लोगों पर अपनी मर्जी थोप रहे हैं। रूस का ये भी आरोप है कि अमेरिका यूक्रेन में रहने वाले रूसी नागरिकों को गुमराह कर रहा है और उन पर पुतिन के खिलाफ मीडिया में बोलने के लिए दबाव बना रहा है। मतलब अमेरिका जंग के अलावा पुतिन को घुटनों पर लाने के लिए दूसरे पैंतरे भी आजमाने में जुटा है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इसी वजह से पुतिन अमेरिका पर बुरी तरह भड़के हुए हैं। उधर रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग ने कई देशों के सामने भुखमरी के हालात बना दिए और अब संयुक्त राष्ट्र ने उन देशों तक अनाज पहुंचाने के लिए रूस के सामने एक समझौते का प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत ब्लैक सी के जरिए उन देशों तक अनाज की सप्लाई हो सके जहां रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से भुखमरी के हालात बन गए हैं। पहले भी संयुक्त राष्ट्र और तुर्की ने मिलकर मध्यस्थता करने की कोशिश की थी, लेकिन वो कोशिश परवान नहीं चढ़ सकी और अब अफ्रीका और पश्चिम एशिया के कुछ हिस्सों में हालात बिगड़ने लगे हैं क्योंकि ये इलाके पूरी तरह से यूक्रेन से आने वाले अनाज और खाने के सामान पर निर्भर हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव पर रूस ने जवाब देने के लिए 18 मई तक वक्त मांगा है। इस बीच